हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ चिकन रोल की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप पूरा देखकर सेंटर में स्किप ना करें। उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आटा और मैदा दोनों को मिला के ले सकते हो। फिर हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक के साथ हम उसमें डाल देंगे तेल। मैंने यहाँ पे बड़े से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल और नमक दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और नरम सा एक डो बना लेंगे। नॉर्मल रोटी या चपाती का डो जैसे बनाते हैं, उसी तरह हम एक डो बनाएंगे। मैंने यहाँ पे डो को बना लिया है, आप देख सकते हो। फिर आधा घंटे के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम ये चिकन का अंदर का जो मसाला है उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टोव ऑन करके एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें हम डाल देंगे तेल। मैंने यहाँ पे बड़े से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से भुनने के लिए रख देंगे। जीरा यहाँ पे भुन गया तो हम उसमें डालेंगे चिकन। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है वो, और 2-3 बार मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और चिकन का पीसेस भी आप देख सकते हो, मैंने छोटा रखा है। चिकन को हम तेल में अच्छे से भुनेंगे। तेल में आप जितना अच्छे से चिकन को भुनेंगे उतना अच्छे से आपका ये जो चिकन मसाला है ये बनेगा। इसीलिए आप तेल पे चिकन को अच्छे से भून ले। मैंने यहाँ पे तेल में अच्छे से चिकन को भून लिया है, आप देख सकते हो। फिर हम उसमें डाल देंगे नमक। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हम बाद में सॉस का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आप नमक को आप थोड़ा सा ध्यान से डालें। फिर हम उसमें डालेंगे सूखा मसाला। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, दोनों को हम चिकन का साथ अच्छे से मिला देंगे। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो मीडियम रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे चिकन को अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हो। फिर हम उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। फिर अदरक और लहसुन को भी अच्छे से हम मिला देंगे। अदरक और लहसुन भी चिकन के साथ अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। फिर हम उसमें बाकी मसाला को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर यहाँ पे ऑप्शनेबल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप करें, ये पूरी तरह ऑप्शनेबल है। फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो मसाला अच्छे से भुन गया है। फिर हम चिकन को पकाना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी डाला है, आप देख सकते हो। पानी को चिकन का साथ हम अच्छे से मिला देंगे और कवर करके रख देंगे हम 6 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चिकन में जितना पानी था सभी सूख गया है और ये चिकन मसाला जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बन रहा है। चिकन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक गया है। फिर चिकन को हम एक बार अच्छे से मिला देंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है, 2 ग्रीन चिली को मैंने बारीक करके कट कर लिया है। फिर हम यहाँ पे प्याज और ये शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे बड़े से 1 लिया है और उसको ऐसे लंबे टुकड़े में से कट किया है, आप देख सकते हो। और साथ में हम उसमें डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का 1 प्याज को ऐसे स्लाइसेस में लंबे लंबे टुकड़े में से कट किया है, आप देख सकते हो। फिर चिकन का साथ ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये शिमला मिर्च जो है ये पूरी तरह यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है, प्याज भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और ऐसे मिलाते हुए और 2 से 3 मिनट तक हम इसको भुनेंगे। ये मसाला जो है ये पूरी तरह भुन गया है। फिर हम उसमें थोड़ा सा सॉस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है। फिर 2 चम्मच रेड चिली सॉस मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हो। फिर हम डालेंगे उसमें ग्रीन चिली सॉस 2 चम्मच और टेस्ट के हिसाब से हम विनीगर को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच विनीगर डाला है। विनीगर में बहुत ही अच्छे से खट्टा बनाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मसाला जो है ये बहुत ही स्पाइसी बन रहा है मेरा यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन मसाला जो है मेरा यहाँ पे बन गया है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही जूसी। फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे और उसको कवर करके हम साइड में रख देंगे। फिर हम चिकन रोल का अंदर का सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बड़े से 3 चम्मच मायोनीज लिया है और साथ में हम उसमें डालेंगे टमाटो सॉस 2 से 3 चम्मच। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को ले लिया है, आप देख सकते हो, और अच्छे से मिला देंगे और मिलाते हुए हम एक सॉस को रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बाजार से ये चिकन रोल का सॉस को भी ला सकते हो, लेकिन ये
ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी आसानी से बना सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो सॉस है ये पूरी तरह बन गया है। फिर हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डो है ये पूरी तरह यहाँ पे सेट हो गया है और ये बहुत ही नरम सा ये डो मेरा बन गया है। फिर हम इसका लोई बना लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो पराठा का लोइया जो है ये रेडी हो गया है। फिर हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ले लिया है, आप देख सकते हो, और उसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग करते हुए हम बड़ा सा एक पराठा बना लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पराठा मेरा बन गया है और इसी तरह बाकी जितना पराठा है सभी को हम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी पराठा मैंने बना लिया है। फिर हम पराठा को सेकने के लिए जाएंगे। उसके लिए हम स्टोव के ऊपर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा गर्म हो गया तो हम उसमें डाल देंगे एक पराठा। शुरुआत में हम पराठा में तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले दोनों साइड से हम थोड़ा सा सेकेंगे, बाद में हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। पराठा यहाँ पे थोड़ा सा सेक गया है तो हम थोड़ा सा तेल ऊपर में इसी तरह डाल देंगे और तेल को हम दोनों तरफ लगाते हुए ये पराठा को अच्छे से हम सेक लेंगे। पराठा यहाँ पे पूरी तरह सेक गया है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ऊपर में हम इसी तरह एक अंडा को फोड़ के पराठा का ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक ये जो अंडा है उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये अंडा वाला पराठा जो है ये बहुत ही टेस्टी बनता है चिकन रोल के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडा का इस्तेमाल किया है। आप भी ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अंडा यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हम ये पराठा को पलट देंगे और पलटते हुए हम ये पराठा जो है उसको हम अच्छे से सेक लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो पराठा जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सेक गया है और इसी तरह बाकी जितना पराठा है सभी पराठा को हम बना लेंगे। फिर हम चलेंगे फाइनल प्रोसेस में। तो उसके लिए हम एक पराठा ले लिया है, देख सकते हो, और उसके ऊपर हम लगा देंगे ये जो सॉस मैंने पहले रेडी करके रखा था वही सॉस को मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हो पराठा के ऊपर। फिर हम उसमें डालेंगे चिकन मसाला जो मैंने पहले रेडी करके रखा था। ये चिकन मसाला को हम अच्छे से इसी तरह सेंटर में सेट करके डाल देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। ऊपर में हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, मैंने ऐसे लंबा लंबा टुकड़ों में से प्याज को यहाँ पे कट किया है, आप देख सकते हो। प्याज डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और आप देख सकते हो अंदर का स्टफिंग मेरा यहाँ पे पूरी तरह रेडी हो गया है। फिर हम पराठा को इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये पराठा को अच्छे से इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ये चिकन रोल को बटर पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लेंगे ऐसे आधे में। आप चाहे तो यहाँ पे फॉइल पेपर से भी आप रैप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों पेपर का इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो बटर पेपर से भी मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे रैप कर लिया है और इसी तरह बाकी जितना रोल है सभी को हम बना लेंगे। और एक रोल हम बना के आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पराठा। फिर पराठा के ऊपर हम डाल देंगे सॉस जो मैंने पहले बना के रखा था, वही सॉस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। सॉस डालने के बाद अंदर में हम डाल देंगे स्टफिंग। स्टफिंग भरने के बाद ऊपर में हम डाल देंगे कच्चा प्याज। प्याज डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, ऊपर में स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम दोनों तरफ फोल्ड करते हुए ये रोल को हम बना लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रोल भी मेरा यहाँ पे बन गया है। फिर हम एक फॉइल पेपर ले लेंगे और आधे में हम फॉइल पेपर से भी इसी तरह रैप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चिकन रोल भी मेरा यहाँ पे बन गया है और इसी तरह बाकी जितना चिकन रोल है सभी को हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सा ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट का इंतज़ार है मुझे। और मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।